Hi students, I am Amrish Gupta, your maths teacher from Hari Maya International School. In this video, I am going to teach you Chapter 1, Sets. This is your first exercise and question number 1 is that which of the following are sets? यहाँ पर कुछ कलेक्शंस दिए गए हैं जिनको हमें ये बताना है कि ये सेट हैं या नहीं है, इनमें से कौन से सेट हैं। तो देखिए, सेट बेटा होते कौन से हैं, जैसे आप पहला पार्ट पढ़ते फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेट होगा या नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट इज दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। आपको क्या करना है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ के नेम आप बताइए। जैसे तो आप बताएंगे जनवरी, जून एंड जुलाई, दीज आर द थ्री मंथ्स विच स्टार्ट विद लेटर जे। अब मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन जैसे किसी से भी किया जाए ऑल वर्ल्ड, तो क्या सबके आंसर डिफरेंट हो जाएंगे, चेंज होंगे? नहीं चेंज होंगे बेटा, सबका आंसर सेम आएगा, क्योंकि मंथ के 12 नेम जो होते हैं वो सभी जगह सेम हैं। जनवरी, जून और जुलाई ही ऐसे तीन मंथ हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, सो यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि सबका आंसर सेम आएगा। तो ये जो कलेक्शन होगा बेटा, ये सेट होगा, क्योंकि सेट जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड मतलब जो चेंज ना हो, ठीक है। धीरे धीरे भी आप सारे पार्ट समझ जाएंगे। जैसे मैंने पहला ही बताया कि ये एक सेट होगा। सेकेंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये बताइए कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, अब किसी के लिए कोई टैलेंटेड हो सकता है, किसी के लिए कोई टैलेंटेड हो सकता है, आप टैलेंट को कैसे कंपेयर करेंगे, दिस इज इम्पॉसिबल। तो ये जो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया होगा, ये सेट नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें सबके आंसर वेरी कर जाएंगे, कोई कुछ कलेक्शन देगा, कोई कुछ कलेक्शन देगा, ओके। देन पार्ट 3, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी आप बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन आप कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि जिनको सेलेक्ट किया गया है उनसे भी बेहतर और हो सकते हैं जो उस कॉम्पिटिशन में ना पहुँच पाए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा, तो इसलिए ये भी एक सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए, जैसे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, आप जैसे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आपके क्लास 10th में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनकी संख्या निश्चित है, उनका नंबर जो है निश्चित है, वो डेली चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर आपकी क्लास में टोटल 20 बच्चे हैं जिनमें से 10 बॉयज एंड 10 गर्ल्स हैं, तो बेटा आप नेक्स्ट डे जाओगे तब भी 10 ही बॉयज हो जाएंगे, वो चेंज नहीं होने वाले हैं। या आपके स्कूल में किसी से भी पूछा जाएगा कि क्लास 10th में कितने बॉयज हैं, तो वो आंसर 10 ही करेगा। इसलिए जो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास है, ये वेल डिफाइंड है, सो दिस इज अ सेट। शायद आपको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब 100 से लेस नेचुरल नंबर्स बेटा 1 से स्टार्ट करना है, 99 तक सारे लिख देने हैं, ठीक है ना, इसमें भी कोई नंबर चेंज नहीं होने जा रहे हैं, तो ये भी एक सेट होगा। सिक्स पार्ट, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने बेटा जितने भी राइटर लिखे हैं वो उनकी संख्या भी निश्चित है, वो ऐसा नहीं कि कल कुछ बढ़ जाएंगे या कुछ कम हो जाएंगे, वो फिक्स्ड ही रहेंगे, सभी के आंसर सेम आएंगे इसमें, इसलिए ये कलेक्शन भी एक सेट होगा। फिर सिक्स के बाद में सेवन पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। बेटा ये भी कन्फर्म है कि ऑल इवन इंटीजर्स जो होंगे वो चेंज नहीं होने वाले हैं, तो ये भी एक सेट होगा। एट्थ पार्ट, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आपके इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, अगर ये काउंट करने को कहा जाए तो आप बिल्कुल काउंट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी का आंसर सेम भी आएगा, चाहे जितने लोग काउंट करें सभी को सेम आंसर मिलेगा, तो ये कलेक्शन भी एक सेट होगा। नाउ नाइन पार्ट, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो अब ये सेट नहीं हो सकता, क्यों नहीं, क्योंकि आप किसी को डेंजरस मानते हैं, दूसरा कोई दूसरा व्यक्ति उसको डेंजरस मानता है, ठीक। तो एज कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, दस दिस इज नॉट अ सेट। आई थिंक आप लोगों को सेट तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब चैप्टर का नेम सेट्स है, सेट्स इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ सेट, ओके। तो सेट क्या होता है,
एक ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है और ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, लेट ए इज इक्वल टू, ये जो कैपिटल ए है दिस इज द नोटेशन ऑफ सेट, और जो इक्वल में लिखा है कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6, जो कर्ली ब्रैकेट ये पूरा का पूरा लगा हुआ है इसको ही बोलते हैं सेट, ठीक है ना। ये एक सेट है 1 से 6 तक के नंबर्स का, 1 से 6 तक के नंबर्स का ये एक सेट है। तो अब हमें बताना ये है कि ये जो सेट ए है, इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल। अब यहाँ पर दो सिंबल बने हुए बेटा दिख रहे हैं आपको, जो पहले लिखा है सिंबल इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और दूसरे को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। आप बिलोंग्स टू ना बोल करके ये भी बोल सकते हैं इज द एलिमेंट ऑफ, ये भी बोल सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। मतलब ये जो सेट है आपका कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ, इस सेट में जो 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं ये हैं इसके एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है 5 और ए लिखा हुआ है, बीच में स्पेस है, तो यहाँ पर इन दोनों में से ही कोई एक सिंबल आपको फिल करना है, ठीक है। तो अगर 5 इस सेट के अंदर लिखा हुआ है तो हम ये पहला सिंबल फिल करेंगे बिलोंग्स का, कि 5 जो है सेट ए में बिलोंग करता है, और अगर 5 उसमें नहीं लिखा है तो दूसरा वाला सिंबल हम फिल कर देंगे डज नॉट बिलोंग, ठीक है ना। तो चूंकि हम देख रहे हैं साहब कि 5 तो सेट में आ रहा है, सो हम कौन सा सिंबल फिल करेंगे बिलोंग्स का, कि 5 बिलोंग्स ए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसमें सारे कर देने हैं। जैसे 8 आ गया सेकेंड पार्ट में, तो 8 तो इसमें है ही नहीं, देखिए सेट में 1 से 6 तक के नंबर से 8 तो है नहीं, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू, राइट। तो आप ये समझ गए हैं कि बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग कैसे फिल करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखिए सेट को दो फॉर्म में लिखा जाता है बेटा, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो ए इक्वल यहाँ पार्ट 1 में लिखा है, ए इक्वल पढ़ते इसको कैसे, ए इक्वल एक्स फिर सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस और इक्वल एक्स लेस देन 7। ये जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म का यूज तब करते हैं जब किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ सारे नेचुरल नंबर का सेट लिखिए, तो बेटा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आप सारे नंबर कैसे आप फॉर्म अलग अलग करके लिखते जाएंगे, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही सेट्स के लिए सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब यही होता है कि सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा कर लिखना। तो यहाँ क्या दिया गया है, सेट ए क्या है, ये जो एक्स लिखा है ये हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि उसमें जो हर एक एलिमेंट है वो क्या है, वो है एक्स इज एन इंटीजर, कि हर एक एलिमेंट जो होगा वो एक इंटीजर होगा, और वो कैसा इंटीजर होगा कि जो एक्स है, जो एक्स वो 7 से लेस होना चाहिए। तो 7 से लेस इंटीजर कौन से होते हैं, 6 5 4 3, ठीक है ना, और ऐसे ही बढ़ते चले जाएं। बट x जो होना चाहिए वो -3 के इक्वल और -3 से ग्रेटर, तो -3 के इक्वल में -3 भी आएगा और उससे ग्रेटर में -2 -1 0 1 2 ऐसे। लेकिन x जो है लेस देन 7 है तो 6 तक ही हमें जाना है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू सेट में -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये जो पूरी बात है ये पूरी बात इस सेट को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है बेटा। कि अब देखिए इसमें आप किसी भी एलिमेंट पर ये बात यूज़ कर लीजिए, यहाँ पर जितना भी नंबर लिखे हुए हैं ये -3 -2 -1 ये सब एक्स हैं, इसमें से किसी को आप चूज़ कर लो। जैसे मैंने मान लो सपोज दैट 4 को चूज़ कर लिया, अब 4 को यहाँ एक्स के प्लेस पर पुट करिए, तो हम कह रहे हैं कि 4 इज एन इंटीजर, क्या गलत है इसमें, बिल्कुल सही है, 4 इंटीजर होता है। एंड यहाँ x के प्लेस पर आप 4 पुट करिए तो क्या हो जाएगा, -3 इज लेस और इक्वल टू 4। तो देखिए -3 जो है 4 से लेस है, और फिर उसके बाद 4 इज लेस देन 7, और यही बात सही है कि 4 जो है 7 से लेस है। तो मतलब हमें एक रोस्टर, जो रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है एक लैंग्वेज, जो कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, जो है हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। अब जैसे बी पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, बी इज इक्वल टू एक सेट दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब हमें वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 6 से लेस है, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज 2-digit नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, हमें 2-digit नंबर्स लिखने हैं और वो भी ऐसे जिनका सम 8 हो। तो चलिए जैसे पहली डिजिट मान लिया अगर हम 0 है, तो दूसरी डिजिट बेटा हमको 8 रखनी पड़ेगी, ठीक है।
लेकिन बात यह है कि 08 जो होता है ये 2-डिजिट नंबर नहीं है, ये तो 1-डिजिट नंबर है, क्योंकि 08 है तो 8 ही है। लेकिन अगर इसको हम रिवर्स कर दें, पहला 8 कर दें दूसरा 0 कर दें, तो 80 जरूर हो जाता है 2-डिजिट नंबर, और जिसमें इनका सम जो है वो 8 है। ऐसे ही अगर हम 1 और 7 को लें तो 17 और 71 ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका सम 8 है। ऐसे ही फिर 26, 62, 35, 53 एंड 44 ये नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो 2-डिजिट नंबर हैं और इनका सम भी 8 है। तो हमें क्या करना है, जो ये हमारा क्वेश्चन जो दिया गया था सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख देना है C is equal to 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 and 80। एक बात ये याद रखिएगा, सेट में जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, एक एलिमेंट सिर्फ एक बार आएगा। फोर्थ पार्ट, x is a prime number which is divisor of 60। प्राइम नंबर हम जानते हैं दो नंबर विच आर डिविजिबल बाई वन और नंबर itself, ठीक है ना, वो प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन ऐसा प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60 जो 60 का डिवाइजर है, तो देखिए डिवाइजर ऑफ 60 कौन कौन से होंगे, 60 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है, तो बस हमें रोस्टर फॉर्म में सिर्फ 2, 3, 5 को लिख देना है, तो D इज इक्वल टू 2, 3, 5। फिफ्थ पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के जो लेटर्स हैं इनका सेट हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो सारे लेटर एक एक करके लिखिए, जैसे पहले टी लिखा, फिर आर लिखा, फिर आई लिखा, फिर जी लिखा, फिर ओ लिखा, फिर एन लिखा, और फिर से ओ आ गया। तो हमने कहा है, अभी बताया था आपको कि लेटर कोई रिपीट नहीं होंगे, ओ आ चुका है तो बस ओ दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर टी आया, टी बेटा सबसे पहले आ चुका था तो वो भी रिपीट नहीं किया जाएगा, फिर आर, आर भी आ चुका है वो भी नहीं लिखा जाएगा, फिर वाई है तो वाई लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही इसका सिक्स पार्ट भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए उल्टा है, अब रोस्टर फॉर्म में हमें सेट दिया गया है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में देखिए नंबर्स जो लिखे हैं वो 3, 6, 9, 12 ये लिखे हैं। हमें एक ऐसी बात सोचनी है जो इन चारों नंबर्स पर सेट हो, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि x such that x equal 3n where n is equal to natural number and n is greater or equal to 1 and less or equal to 4, कि n की वैल्यू 1 से 4 तक हो सकती है, 1 और 1 से बड़ी और 4 और 4 से छोटी, तो n की वैल्यू बस कौन सी हुई, चार ही तो वैल्यू हुई, 1, 2, 3, 4। अब आप क्या करिए, ये जो x इक्वल 3n है इसमें आप n के प्लेस पे 1 पुट करिए तो 3 मिला, 2 पुट किया तो 6 मिला, 3 पुट किया तो 9 मिला, और 4 पुट किया तो 12 मिल गया, यानी कि सारे नंबर दोनों मिल गए, ठीक है। तो यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में सेट हो गया। सेट दोनों सेम है, जो 3, 6, 9, 12 जो सेट है वही सेट ये है, बस दोनों की फॉर्म चेंज है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में 2, 4, 8, 16, 32 ये सब बेटा 2 की पावर है, पहला वाला 2 की पावर 1 है, दूसरा 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। तो हम यहाँ लिखेंगे x such that x is equal to 2 power n where n is natural number and n is greater or equal to 1 and less or equal to 5, कि n की वैल्यू 1 के इक्वल और उससे बड़ी और 5 से लेस और उससे इक्वल, ये वैल्यू लेने पर सारी वैल्यू हमको मिल जाएंगी, ठीक। अब इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पर बेटा 5 की पावर, जैसे अभी पिछले पार्ट में 2 की पावर थी, यहाँ पर 5 की पावर है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर इसका फोर्थ पार्ट, 2, 4, 6, ... तो हम ये क्या देख रहे हैं, 2, 4, 6 चाहिए, तो इवन नेचुरल नंबर है, ठीक, और ये कंटिन्यू चल रहे हैं, तो हमें क्या लिख देना है, ये तो बहुत सिंपल हो गया कि x such that x is an even natural number, ठीक है। अब देखिए यहीं पर इस सेट में आप इवन नेचुरल नंबर आखिर आप कहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट होते हैं, तो ऐसे सेट को लिखने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म सबसे बेहतर है। फिर इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, 1, 4, 9, 100 आप देख रहे हैं, 1 यहाँ पर सब ये स्क्वायर लिखे हुए हैं बेटा, 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर, ऐसे ही लास्ट में 100 जो है 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर x such that x is square of natural number less than or equal to 10, मतलब जो नंबर ऐसे नेचुरल नंबर जो 10 के इक्वल या 10 से लेस हैं उनका स्क्वायर है x, यानी कि हर एक एलिमेंट इसमें जो है वो 10 या 10 से लेस नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है,
राइट। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिख देंगे, x such that x is equal to n square where n is a natural number and n is greater or equal to 1 and less or equal to 10. Now question number 5, list all the elements of the following set. इस सेट के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करने है, मतलब लिखना है कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स, मतलब सीधी सी बात ये फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में या सेमी रोस्टर फॉर्म में ले जाना है। तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा, 1, 3, 5, 7, 9, तो यही हमारे लगा कि डॉट डॉट करके लिख दीजिए, ठीक है। फिर x इज एन इंटीजर विच इज ग्रेटर देन माइनस हाफ एंड लेस देन 9/2, तो बेटा इसमें नंबर्स कौन कौन से आएंगे, देखिए माइनस हाफ से जस्ट ग्रेटर इंटीजर जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है, और 9/2 यानी कि 4.5 उससे लेस होता है 4, तो 0 से लेकर करके 4 तक के नंबर्स आपको लिख देने हैं। फिर थर्ड पार्ट, x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4, x एक इंटीजर होगा जिसमें x का स्क्वायर करने पर जो वैल्यू मिले वो 4 से लेस या 4 के इक्वल मिले, तो देखिए 0 का स्क्वायर करते हैं कितना मिलेगा 0 जो कि 4 से लेस है, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 मिलेगा जो कि 4 से लेस है, 2 का स्क्वायर करते हैं ये 4 मिलेगा जो कि 4 के इक्वल है, लेकिन जैसे ही हमने 3 का स्क्वायर किया बेटा तो वो 9 हो गया जो कि 4 से ग्रेटर, इसलिए इसको नहीं लिखना है, मैंने पहले से ही कट कर दिया है इसको, ठीक, समझाने के लिए बात लिया था इसमें। अच्छा अब 3 के ऊपर जब 3 पर ही 4 से ग्रेटर हो गया 3 का स्क्वायर, तो आगे तो जाने नहीं है, 4 का स्क्वायर और ग्रेटर हो जाएगा। अब हम माइनस वाले नंबर्स को चेक करते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ये लेस है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 ये भी लेस है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 ये ग्रेटर हो गया, तो सिर्फ हम नंबर कौन कौन से ले पा रहे हैं 0, 1, 2, -1, -2 इतने तो ले पा रहे हैं, तो बस इन्हीं नंबर्स का सेट जो है हमारा यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट, x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, लॉयल के वर्ड का लेटर है, तो LOYA, L दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक बार लिखा जा चुका है। फिफ्थ पार्ट, x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो ये तो बेटा जानते हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। फिर सिक्स पार्ट, x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के, इट मीन्स द कॉन्सोनेंट्स बिफोर के, तो के से पहले के कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, बी सी डी एफ जी एच और जे, ठीक है ना, वो भी दें कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर दो कॉलम है, कॉलम 1 और 2, कॉलम 1 में जो है सारे सेट जो हैं वो लिखे हैं रोस्टर फॉर्म में और कॉलम बी में सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन अब हमें ये मैच कराना है कि इसमें से कौन सा सेट बिल्डर का सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म का सेट वो रोस्टर फॉर्म से मैच करता है। तो जैसे पहले को चेक करते हैं, जो हमारे पास ये ए पार्ट है, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक, एक प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 का डिवाइजर होना चाहिए, तो देखिए x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 यानी 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 एंड 6 इज इक्वल 3 इंटू 2, तो 1, 2, 3, 6 आर द डिवाइजर ऑफ 6 एंड आउट ऑफ विच 2 एंड 3 आर प्राइम्स, तो 2 और 3 कहाँ दिए हैं, देखिए इसमें सेकेंड पार्ट में, तो इस a को सेकेंड से मैच किया गया, बात समझ में आई बेटा। अब इसका b पार्ट जो है उसको देखते हैं, बी पार्ट है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 उसमें बेटा आते हैं 1, 3, 5, 7, 9, तो ये जो बी पार्ट है ये लास्ट वाले 4 से मैच करेगा। नाउ सी पार्ट, x इज एन नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, एक नेचुरल नंबर जो 6 का डिवाइजर हो, तो बेटा 6 के डिवाइजर में नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट करना है, 1, 2, 3 एंड 6 ये चारों उसके डिवाइजर हैं, ठीक, तो ये जो है सी वाला फर्स्ट से मैच कर जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जो डी पार्ट है लास्ट, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स जिसमें मिल जाएं वो हमें मिल रहे हैं इसमें थर्ड वाले में, M A T H E I C S, बस लेटर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं।